नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। बिहार में एक शहर है गया और गया में एक जगह है इकबाल नगर और इकबाल नगर में एक कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान हमारे देश के बाकी जो कब्रिस्तान है उससे काफ़ी अलग है। काफ़ी मायनों में अक्सर आपने जो कब्रिस्तान देखे होंगे वहाँ के आसपास से गुजरने में भी एक डर होता है। कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट ऐसी जगहों के आसपास से जब हम गुजरते हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा डर ज़रूर लगता है। और ये जो इकबाल नगर का कब्रिस्तान है यहाँ पर जो कब्रें हैं वो पत्थर की होने के बावजूद ऊपर से छतरी के आकार की हैं और वो घूमती भी हैं, और जब वो घूमती हैं तो एक अलग सी आवाज़ जो है वो उससे आती है जो लोगों को डराती है। तो इकबाल नगर के इस कब्रिस्तान में ज़्यादातर कब्रें बच्चों की है, यानी कि ज़्यादातर बच्चों को वहाँ पर दफनाया गया है जिनकी मौत हो जाती है, और बच्चों की कब्र वहाँ पर ज़्यादा मौजूद है। और जाहिर है कि कब्रिस्तान है तो उसके आसपास नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो हो सकती हैं, और कई बार ऐसी कहानियाँ हमने सुनी भी हैं। लेकिन बिहार के गया के इकबाल नगर के जो ये कब्रिस्तान है इसके आसपास एक व्यक्ति घूमता है, लोग कहते हैं वो रूह है, लोग कहते हैं वो नकारात्मक शक्ति है, और जिसने भी उसे देखा या जिससे भी उस रूह का साक्षात्कार हुआ वो ऐसा बताते हैं कि सिर पर हैट, हाथ में छड़ी और जैसे किसी अंग्रेज़ी अफसर का पहनावा होता है ठीक वैसे ही पहनावे के साथ कोई रूह उनसे मिलती है। और ताज्जुब होगा आपको ये जानकर कि वो रूह किसी को परेशान नहीं करती, वो रूह कुछ डिमांड नहीं करती, उस रूह की कोई भी ख्वाहिश नहीं है सिर्फ इसके कि उसे चाय और बिस्किट चाहिए। अब वो रूह चाय और बिस्किट क्यों मांगती है इसकी बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग धारणाएँ हैं, लोग अलग अलग बातें बताते हैं। लेकिन वो चाय और बिस्किट जो मांगते हैं कहा ही जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों की कब्र है, कोई ऐसी आत्मा है जो शायद अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चाय, बिस्किट या केक इस तरह की ख्वाहिश करते हैं। और वो आत्मा जो इस तरह की ख्वाहिश करता है अगर आपका साक्षात्कार, अगर आप उससे टकराते हैं और उसने ये ख्वाहिश की है तो आप तब तक वहाँ से नहीं जा सकते हैं जब तक आप उसकी इस ख्वाहिश को पूरा ना कर दें, या फिर आप तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक आप उसे ये वादा ना करें कि अगली सुबह या फिर अगले दिन या फिर कुछ देर बाद आप उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। उस शख्स का नाम है ओवेन टॉमकिंसन। ये ब्रिटिश काल की बात है मैं आपको बता रही हूँ, जब 1906 का ये समय था और उस समय ब्रिटिश राज हुआ करता था। दरअसल उस समय हैजा फैला था और बहुत बड़ी जो संख्या में, बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई थी, और कहा जाता है कि एक ब्रिटिश अफसर थे और उनकी भी हैजा के चलते मौत हो गई थी और उनके परिवार के भी काफ़ी सदस्यों की मौत हो गई थी, और उसके बाद से ही उन्हें भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। और उसके बाद से ही जो ये रूह है, ये आत्मा है, वो भटकती है, और ये कहानी तभी से शुरू हुई कि कब्रिस्तान में अपने इस अजीबोगरीब ख्वाहिश के साथ एक रूह, एक आत्मा भटकती है जो आसपास रहने वाले लोगों से चाय और बिस्किट की मांग करती है। सन 1906 में दरअसल उनकी मौत हुई थी जब हैजा फैला था, और उसके कारण ही उनकी मौत हुई और साथ में काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई, और ये कब्रिस्तान और ये कहानी उसी समय की है। अब मन में, जहन में एक सवाल आता है कि अगर वो नकारात्मक शक्ति है तो वो किसी को परेशान क्यों नहीं करती, अगर वो कोई रूह है तो वो कुछ और डिमांड क्यों नहीं करती, किसी के लिए खतरा क्यों नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान की एक खासियत है कि हम लोग जो जिस चीज़ को काफ़ी समय से, लंबे अरसे से देखते आते हैं उसे हम स्वीकार कर लेते हैं भले ही वो कोई नकारात्मक शक्ति या रूह क्यों ना हो। वहाँ आसपास इकबाल नगर में जो लोग रहते हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर आप इधर से जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका साक्षात्कार उस रूह, उस आत्मा से, ओवेन से हो जाए, और अगर आपकी, आपका उससे टकराव हो जाता है या फिर वो आपको मिलता है तो आपको पता है कि उसकी ख्वाहिश क्या है और आपको कैसे उस रूह से वापस छुटकारा पाना है। ऐसा ही कुछ सिलसिला जो है वो वर्षों से चला आ रहा है। वहाँ पर जो लोग हैं, कई लोग ये बताते हैं कि उन्हें ओवन मिला था, ओवन ने बोला कि उसे चाय बिस्किट चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि इस वक्त कहाँ से लेकर आए, क्योंकि अक्सर ये घटनाएं रात में ही होती हैं, तो वादा किया कि ठीक है कल आपके लिए चाय और बिस्किट जो है वो पेश किया जाएगा, और ऐसा ही किया भी गया, जिसके बाद ओवन जो है वो उसे छोड़ देते थे। अब क्योंकि ये रोज़ाना का किस्सा था, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ओवन से टकराता था और उसकी इस ख्वाहिश को पूरी करता था। एक बार एक फ़कीर जो है जिनका नाम चांद था वो वहाँ से जा रहे थे, और ओवन ने ठीक वैसे ही पेशकश करने के लिए बोला उस फ़कीर से, लेकिन फ़कीर जो है वो समझ गए कि ये कौन है और क्या करना चाह रहा है। फ़कीर ने कुछ आयतें पढ़कर बोतल के अंदर उस आत्मा को रख दिया, और उसके कुछ दिनों बाद तक
उस आत्मा से किसी का साक्षात्कार नहीं हुआ, उस आत्मा ने किसी को परेशान नहीं किया या फिर अपनी ये ख्वाहिश नहीं किसी के सामने पेश की, तो लोगों के मन में भी सुकून था कि चलिए ठीक है, अब जो है वो शांति से रह सकेंगे और ऐसी किसी आत्मा से उनका टकराव जो है उस रास्ते में नहीं हो पाएगा। और उसके बाद कुछ दिनों तक जो चीज़ें हैं वो सामान्य रहीं, कुछ दिनों तक चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं, लेकिन किसी शरारती तत्व कहें या फिर जो वहाँ पर लोग परेशान करने के लिए उस बोतल से, उस लकड़ी में जिसमें आयतें पढ़कर उस आत्मा को, उस रूह को उस फकीर ने कैद कर दिया था, किसी ने उस लकड़ी को उससे निकाल दिया उस बोतल से। और उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से वो सिलसिला चाय और बिस्किट मांगने का शुरू हो गया और ये सिलसिला लंबे अरसे तक चलता रहा। ईसाई समुदाय के लोग इसे नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी बात या ऐसे किस्से जिसे बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए, तो हमारे देश में खास करके लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। मानिए आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और किसी ने आपको कहा कि उस रास्ते पर जो है कोई आत्मा जो है आपके सामने से गुजर जाएगी सफ़ेद साड़ी में। अब अगर उस रास्ते पर जाने वाले 10 में से 8 लोग ये बात कह रहे हैं और आप कभी जाएं, तो आपको भले वो दिखे ना दिखे लेकिन आप ऐसा फील करेंगे कि शायद कुछ हुआ था, शायद कोई आया था। तो अगर किसी भी चीज़ को बार बार कहा जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक इमेज जो है वो हमारे दिमाग में बनने लगती है और हमें लगता है कि शायद हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मनोवैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हो सकता है कि लोग इस तरीके से इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि लंबे अरसे से, लंबे वर्षों से ये कहानी जो है वो सुनते आए हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि शायद ऐसा कोई है। लेकिन ये तो मानने वाली बात है कि ठीक है, लोगों ने सुना, लोगों ने ऐसा इसीलिए इसको स्वीकार करना शुरू कर लिया। लेकिन कई लोग तो ये दावा करते हैं कि उन्होंने ओवेन से हाथ भी मिलाया है। वो कहते हैं कि ओवेन से हाथ मिलाया, उससे बात की और वो बताता है कि उसे चाय, बिस्किट या फिर केक चाहिए और उसकी उस ख्वाहिश को अगर पूरी कर देते हैं तो ओवन जो है वो किसी को परेशान नहीं करता है और लोगों को उनके रास्ते से गुजरने देता है। दिन के समय भी कई लोग बताते हैं कि उनका साक्षात्कार जो है वो ओवन से हुआ है और ख्वाहिश हर बार एक जैसी होती है। तो ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, इस पर भी सवाल है। हालांकि मनोवैज्ञानिक अपना तर्क देते हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो इकबाल नगर के वासी हैं, वो अपना अलग तर्क देते हैं। कई बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं वो उनसे भी बात करने की जब कोशिश की तो वो बताती हैं कि ऐसा उन्होंने सुना है। कई लोग जिन्होंने कभी उससे मुलाकात नहीं की, जिनके रास्ते में ओवन कभी नहीं आया, वो लोग भी बताते हैं कि ऐसा ज़रूर कुछ है, क्योंकि ऐसे एक दो नहीं कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं। और ये 1907 की बात है जब ओवन की मौत हुई थी और उसके बाद से ही ये जो किस्सा है वो चला आ रहा है और पीढ़ियों से ये बातें जो हैं वो लोग सुनते आ रहे हैं। तो ऐसा लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ तो है, लेकिन मनोवैज्ञानिक का अपना दावा है, लोगों का अपना दावा है। अगर आप बिहार के गया कभी गए हैं, क्योंकि गया जो है वो टूरिस्ट प्लेस भी है, और वहाँ अगर आप इकबाल नगर में रहते हैं या फिर आप कभी वहाँ गए हों, तो क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? क्या जिस कब्रिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, क्या आप उसके आसपास रहते हैं जो मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने क्या कभी ऐसा महसूस किया या फिर इससे पहले आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है, और अगर नहीं, और अगर आप भविष्य में कभी गए तो क्या आप ऐसा अनुभव करेंगे, तो इस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि अगर आपने अनुभव किया है या फिर भविष्य में कभी गए, तो आप ये ज़रूर देखना कि उस कब्रिस्तान के आसपास क्या आपके सामने कोई ऐसी रूह आती है जो चाय, बिस्किट की पेशकश करने की मांग करती हो। तो ये बिहार के गया की कहानी थी, इकबाल नगर के कब्रिस्तान की, जहाँ एक कब्रिस्तान है वहाँ एक रूह भटकती है और वो एक अजीबोगरीब डिमांड लोगों से करती है और इस बात की तस्दीक कई लोग करते हैं। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी के अपने अलग अलग दावे हैं, मनोवैज्ञानिकों का अलग और वहाँ पर रहने वाले लोगों का अलग।